रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब पर वालदैन का साया हमेशा सलामत रखे। तो इसी के साथ आज की अपनी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, ये आलू की चटनी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो उबाल लिए हैं हमने, तो अभी इनको ठंडे पानी में रखा है ताकि ठंडे हो जाएँ। उबालने के बाद इनको छील लेंगे, छिलका इनका उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़ीरा और थोड़ा सा खुश्क धनिया, आलू की चटनी बड़े ही मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट हमारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब इसमें हम थोड़ा सा पुदीना और सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ धनिया थोड़ा सा, ये इसको भी हम अच्छे से कूट लेंगे। और अब थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, ये और अब उबले हुए आलू, आलू को हमने कूट लिया। और अब इसमें हम नमक, थोड़ी सी रेड मिर्च और अब दही शामिल करेंगे और अब इसे करेंगे हम मिक्स। आलू हैं जो, उनको ज़्यादा नहीं कूटना, इस तरह की रहेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा खाने का। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी हम शामिल करेंगे और प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दही आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अगर आप दही ना भी इस्तेमाल करें तभी आप इसको खा सकते हैं, बड़ी मज़े की होती है। तो ये हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।